दोस्तों नमस्कार। स्मार्टफोन की दुनिया में सैमसंग के दो बेहद ही शानदार और खूबसूरत स्मार्टफोन आजकल मार्केट में बहुत धूम मचा रहे हैं। क्या पता ही नहीं चलता कि हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन देखने में लगभग एक ही तरह के लगते हैं। दोनों में विशेष ज्यादा हमें कोई अंतर भी नहीं लगता। तो ऐसे में हमारे सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि हम किस स्मार्टफोन को खरीदें और किसको छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम सैमसंग के इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए सबसे बेटर साबित होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं हमेशा की तरह कि अगर आप मेरे चैनल पर एक नए विजिटर हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकॉन को भी ऑन कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सैमसंग की ओर से लॉन्च किए गए दो बेहद ही खूबसूरत और शानदार स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, किस स्मार्टफोन के साथ में हमें क्या क्या अवेलेबल होता है, दोनों स्मार्टफोन का कॉन्फिगरेशन क्या है, कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में एक है सैमसंग का गैलेक्सी M31, जिसको सैमसंग की ओर से पिछले 4 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था, और दूसरा स्मार्टफोन है अभी पिछले 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है सैमसंग गैलेक्सी M31S। इन दोनों स्मार्टफोन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह के फीचर्स हमें इन दोनों स्मार्टफोन के साथ में मिलेंगे, इन दोनों स्मार्टफोन का हम एक एक फीचर का अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन की। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सैमसंग गैलेक्सी M31S 9.3 mm थिकनेस के साथ में मिलता है, काफी मोटा पीच है ये 9.3 mm थिकनेस वाला। वही सैमसंग गैलेक्सी M31 हमें 8.9 mm थिकनेस वाला मिलता है। थिकनेस के मामले में M31S थोड़ा मोटा पीच लगेगा, वही M31 हमें एक स्लिम पीच लगेगा। दोनों का वजन भी काफी डिफरेंस वाला है। M31S का वजन हमें 203 ग्राम मिलता है, वही M31 का वेट है यहाँ पर 191 ग्राम है। ये दोनों स्मार्टफोन के मामले में एक डिफरेंस है, यहाँ पर हमें M31S थोड़ा थिकनेस वाला स्मार्टफोन मिलता है। अब यहाँ पर कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन के साथ में बैटरी इक्वली दी है, दोनों स्मार्टफोन के साथ में हमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर कंपनी की ओर से कोई डिफरेंस नहीं किया गया है दोनों स्मार्टफोन के साथ में। चार्जर के मामले में M31S के साथ में हमें 25 वॉट का सुपर चार्जर मिलता है, वहीं M31 के साथ में हमें 15 वॉट का चार्जर मिलता है। थोड़ा सा चार्जर में ये डिफरेंस है, M31S के साथ में हमें 25 वॉट का चार्जर मिलता है, वहीं M31 के साथ में हमें केवल 15 वॉट का चार्जर मिलता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के साथ में हमें चार्जिंग के लिए सी टाइप का पोर्ट मिल जाता है, जो दोनों में एक समान है, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31S के साथ में एक बहुत ही जबरदस्त फीचर यहाँ पर दिया है कंपनी की ओर से, वो ये है कि M31S के साथ में हमें रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन, इसी फोन से हम दूसरे स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं रिवर्स चार्जिंग के माध्यम से, जबकि M31 के साथ में ये फीचर हमें अवेलेबल नहीं होता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें M31S के साथ में 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, वह M31 के साथ में हमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। साइज का डिफरेंस है, M31S के साथ में हमें 6.5 इंच की मिलती है डिस्प्ले, वही M31 के साथ में हमें 6.4 इंच की स्क्रीन मिलती है। दोनों स्मार्टफोन की स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60Hz है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करें तो M31S के साथ में हमें 2400x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिलता है, तो M31 के साथ में हमें 2340x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिलता है। यहाँ पर भी कोई ज्यादा विशेष डिफरेंस नहीं है। पिक्सल डेंसिटी M31S के साथ में 405 ppi पिक्सल डेंसिटी मिलती है, वही M31 के साथ में हमें 403 ppi पिक्सल पर इंच डेंसिटी मिलती है। कोई ज्यादा विशेष डिफरेंस यहाँ पर भी कंपनी की ओर से दोनों स्मार्टफोन के साथ में नहीं दिया है, नॉर्मल सा डिफरेंस है। और दोनों स्मार्टफोन के साथ में स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 अवेलेबल है दोनों स्मार्टफोन के साथ में। यहाँ पर भी किसी स्मार्टफोन के साथ में कोई समझौता नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से। हाँ, यहाँ पर डिजाइनिंग के मामले में कंपनी ने फिंगर सेंसर के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर दे दिया है दोनों स्मार्टफोन के साथ में। सैमसंग गैलेक्सी M31S के साथ में हमें यहाँ पर साइड में फिंगर सेंसर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, साइड में ये कंपनी का एक नया एक्सपेरिमेंट है। आज दिन तक हमने देखा है कि पहले
रियर साइड में फिंगर सेंसर आते थे, लेकिन उसके बाद में अंडर स्क्रीन फ्रंट साइड में सेंसर दिए जाने लगे फिंगरप्रिंट का। लेकिन अब सैमसंग की ओर से सैमसंग गैलेक्सी M31S के साथ में साइड में फिंगर सेंसर दिया है, वही गैलेक्सी M31 के साथ में रियर साइड में फिंगर सेंसर मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कंपनी ने डिजाइनिंग के मामले में दे दिया है। भाई डिजाइनिंग के मामले में हमें दूसरा डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के साथ में भी देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा M31S के साथ में पंच होल डिजाइन में मिलता है, वहीं M31 के साथ में वाटर ड्रॉप स्टाइल में फ्रंट कैमरा मिलता है। ये डिफरेंस डिजाइनिंग का है दोनों स्मार्टफोन के साथ में। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के हार्डवेयर की। तो यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि हार्डवेयर के मामले में कंपनी की तरफ से इन दोनों स्मार्टफोन के साथ में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया है। हार्डवेयर के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के साथ में कंपनी ने 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिए हैं। और चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के साथ में Exynos 9611 चिपसेट दिया है। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के साथ में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया गया है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के साथ में हमें एंड्रॉइड वर्जन 10 मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे की, रियर कैमरा। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे में एक मामूली सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। रियर साइड में दोनों स्मार्टफोन के साथ में क्वाड सेटअप में 64 MP के कैमरे दिए हैं कंपनी की तरफ से। प्राइमरी कैमरे दोनों स्मार्टफोन के साथ में 64 MP के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। लेकिन वाइड एंगल सेंसर को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M31S के साथ में हमें 12 MP का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, वहीं M31 के साथ में हमें 8 MP का वाइड एंगल कैमरा मिलता है। ये कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी दोनों स्मार्टफोन के साथ में हमें डेप्थ सेंसर के रूप में 5 MP के कैमरे मिलते हैं दोनों में। मैक्रो कैमरा भी दोनों स्मार्टफोन के साथ में हमें 5 MP के मिल जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों स्मार्टफोन के केवल वाइड एंगल कैमरे में हमें एक मामूली सा अंतर देखने को मिल जाता है। M31S के साथ में 12 MP का है, वही M31 के साथ में 8 MP का वाइड एंगल कैमरा है। ओनली ये डिफरेंस आपको यहाँ पर जरूर लगेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा मैंने पहले बता दिया आपको कि डिजाइनिंग के मामले में जरूर डिफरेंस है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के साथ में हमें 32 MP के कैमरे मिल जाते हैं, सिंगल कैमरे हैं दोनों स्मार्टफोन के साथ में 32 MP के, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर भी। दोनों स्मार्टफोन के साथ में हमें दो दो नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलते हैं डेडिकेटेड। वहीं एडिशनल स्पेस के लिए हमें यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के साथ में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन को हम 512 GB तक इंटरनल स्पेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कोई डिफरेंस दोनों स्मार्टफोन के साथ में नहीं देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के साथ में हमें ऑडियो जैक 3.5 mm के मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम इन दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग वेरिएंट की और प्राइस की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31S दो वेरिएंट में अवेलेबल होता है, एक 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्पेस के साथ में। वही इसका दूसरा वेरिएंट है वो 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्पेस वाला है। और सैमसंग गैलेक्सी M31 की बात करें तो यहाँ पर ये दो वेरिएंट तो M31S के जैसे ही हैं, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्पेस, दूसरा 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्पेस। लेकिन इसका जो बेसिक वेरिएंट है वो यहाँ पर हमें 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्पेस वाला एक अलग से वेरिएंट मिलता है, जो कि M31S के साथ में नहीं है। अब हम इन तीनों वेरिएंट की अगर हम प्राइस की बात करें तो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्पेस, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M31S के साथ में ये वेरिएंट नहीं है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M31 का ये वेरिएंट हमें 16,499 रुपए में अवेलेबल होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये प्राइस जब कंपनी ने स्मार्टफोन लॉन्च किया था तो उस समय ये प्राइस थोड़ी कम हुआ करती थी, लेकिन बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने GST स्लैब में कुछ बदलाव कर देने के कारण अभी फिलहाल हमें ये वेरियंट 16,499 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। वही हम दोनों स्मार्टफोन के 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्पेस वाले वेरियंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31S हमें मिलता है 19,499 रुपए में, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M31 मिलता है हमें 17,499 रुपए में। 2,000 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन के इन वेरिएंट्स के बीच में। वही दोनों स्मार्टफोन का टॉप वेरिएंट जो कि 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्पेस वाले हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की कीमत देखें तो सैमसंग गैलेक्सी M31S की कीमत यहाँ पर पड़ती है 21,499 रुपए, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M31 हमें मिलता है 19,499 रुपए में। यहाँ पर भी हमें इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में 2,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन की
कॉन्फ़िगरेशन में हमें कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, दोनों के फीचर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ओनली एकमात्र डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। फ्रंट कैमरा M31S के साथ में पंच होल डिजाइन में मिलता है, वहीं M31 के साथ में हमें ड्यूल ड्रॉप डिजाइन में मिलता है। वहीं अगर रियर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरा दोनों स्मार्टफोन के साथ में मेन कैमरे एक समान ही है क्वाड सेटअप में, लेकिन वाइड एंगल कैमरा सैमसंग गैलेक्सी M31S के साथ में हमें 12 MP का मिलता है, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 के साथ में हमें 8 MP का मिलता है। ओनली ये डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपका स्मार्टफोन बाय करने का पर्पज अगर कैमरा है तो आप जरूर सैमसंग गैलेक्सी M31S के साथ में जा सकते हैं, अदरवाइज आप देखेंगे तो हमें कोई दूसरा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको मेरे अनुसार सैमसंग गैलेक्सी M31 को ही बाय करना चाहिए। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में आपकी क्या राय है, आपको अगर इन दोनों स्मार्टफोन में से सिलेक्ट करने का कहा जाए तो आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को सिलेक्ट करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी M31S और सैमसंग गैलेक्सी M31 से रिलेटेड दोनों का कंपैरिजन करके कंपेयर करके हमने इनके अलग अलग फीचर्स के बारे में जानकारी ली। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, और ज्यादा से एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।